यह एक मनगढ़ंत कहानी है। इस कहानी का यह स्थान से कोई संबंध नहीं है। हाँ बाबू भाई, आप देखा ना घोटना खाए करीत रहा। हाँ बाबू बात तो सही कहे था। हाँ चलो अच्छा ना भैया, हम यही कहानी देखते आवे। हाँ ले लेंगे नहीं मार लियो 12-13 राउंड। अरे ठीक कर ले याद लियो, हम ऐसे दौड़े के चाहिए ना। अच्छा ठीक है ना। हाँ हाँ बाबू दौड़ बना लेना। चलो ना क्या चलो चलो कहाँ जाए था बाजार से आ गई। हाँ बाजार कर गए थे। हाँ ना बाजार से आ गई वो मिल गया रास्ता में। तो ये अभी आएगा कंप्लीट नहीं हुआ ले सब। हाँ काठी काठी ले ले। हाँ बैगन सब्जी ये सब आलू कैसे दे लो। आलू यार आलू दे लो 30 रुपये किलो। बाबू भैया डर के लो। चाचा तू डर के लो। अरे डर गेले तो नहीं रे। अरे हम तो मजाक खाली कर रहे। अरे मजाक नहीं कर रहे, हम जा भी चली ना कि तो नहीं डर गेले। अरे हम जा भूत भूत के फिल्म देख ले हैं। देख ले भूत भूत पर विश्वास कर रहे हैं। दानी माने विश्वास कर रहे हैं। काहे दादा का पटक दो तो। अरे या काहे भूत भूत के नाम काहे लेके। हाँ एगो बात जानना है। बोलिए। पूरा गांव में हाँ सिर्फ भूते पे बातें हुई था। भूत हाँ बुचना से पूछ ले, गोधना से पूछ ले, हाँ हाँ बाबू से पूछ ले। सिर्फ गांव में भूत भूती कौन अफवाह फैला दे। जब से भूतिया कैफे बनले हो ना। भूतिया कैफे? हाँ बहुत डरावना हो। तब से हर आदमी के मुंह पे भूत भूत। रे बाप रे बाप बड़ा डरावना हो यार। बाप रे जाना ही बुचान कुछ ना कुछ तो राज जरूर होते सकी। हाँ भैया बात सही है, यही पिपरा तर। यही पिपरा तर दू गो के मार के एकदम दफना दे रहे ले। आज गांव में बहुत शांति लग रहा है। हाँ, आज बहुत शांति। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम मुखिया जी। तुम लोग आज सब विचार करके कौन काम से आया है मुखिया जी? आज हमने सब गांव के लोग मिल के तोरा पास आयल हुआ कि सब आदमी के रामचंद्रा बहुत परेशान करे थे। चाचा से पूछ ले हूँ। हाँ मुखिया जी सही बात है। हमरो सन डरा दिलक की जान हदर हदर जैसे जान निकल गई। उनको से पूछ लो। बोला ना तो मार के घोड़ा तोड़ देगी। ऐसा नहीं करो। देखो गांव समाज के बात है, उसको जिस ढंग से तुम लोग के दे रहता है या परेशान करता है वही ढंग से तुम भी उसको कोई ऐसा अथी निकालो नपू जो वो खुदे परेशान हो।
मारपीट करना तो जाहिर से काम है ना, मार देगा केस होगा मुकदमा होगा, वैसे क्या फायदा होगा। अगर तुम लोग क्या जला रहा है ठीक कर रहा है उसको उसी ढंग से तुम लोग भी ये करो जे वो परेशान हो जाए अपने हाथ हमें सब को मिल। अच्छा बेटा हमरा बारे में बेटा केस फाइल के मुखिया जी जो अच्छा आज तोनी के सब के दिखावी किए हमरा डरवे हमरा मार दे भूख आज तुम के दिखाइए दे थे कि हम चंद्रा कौन लड़का है आ तुम सब तो मिल के आओ उसको भी वही सब दिखावा जाए ठीक है मुखिया प्रणाम प्रणाम। हाँ सब कोई एकदम गर्जन साथे चला समझ लो ना हमरो आज बहुत डर लगे बहुत डर बेटा पूरा मजा रे। आओ बेटा आज आज सब गरम चंद्रा आज बेटा आज पानी पिया दे तो आओ बेटा आज तो बेटा खूब मजा आओ आओ बेटा आज आज तो उनके दिखावी थी आज आओ आज आज तोहनी के आज जंगल के आज सैर तोहनी के कराइए दे थी है। बहुत तोहनी बोली थले आज तो सादा सादा पहन ले ही है मुखिया पास गए हले आओ तोहनी आज कहे तो नहीं हले बाबू कि रखिया खाली इतना मत रहा हियाँ जगह खराब है तो बाकी तू बात मान ला ना तुम भी अब वही तरम चंद्रा के भूत धरल के बाबू हाँ अब हमरा समझ में ना आवे थे काज करल जाए अब रास्ता नहीं निकाली जा सब मिल करके का समाधान निकले निकाली जाए समाधान तो निकाले पड़ते हाँ चाचा तू ठीक कही थे उ दिन हमने जाके बहुत बड़ा गलती कर दिलिए चाचा कोई उपाय उपाय बताओ हाँ चाचा ठीक होते सही बोली थी चाचा हाँ चाचा छोटू ठगी कही था हाँ हाँ
बात हो गया है क्या? इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है? रामचंद्रा के जाना हूँ। हाँ हाँ, मैं तो उसे पहचानता हूँ। क्या बोले मास्टर जी, रामचंद्रा बड़ी गांव में उत्पाद मचा के रख ले हलवा। हमने गांव वाला सोच लियो इस बार कि रामचंद्रा के सबक सागर सिखा हुआ, तो हमने जंगल में गे लियो तो रामचंद्रा के धर ले लो भूत। देखो, ये एक बीमारी है जिसे मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी में आदमी का शरीर कमजोर हो जाता है, ठीक है। उसे झड़वाने लेकर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसे डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाना। ठीक है मास्टर जी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे काम है। राम राम मास्टर जी। राम राम। ठीक है, तो चला देखता हूँ। चला। हाँ चलो चला। श्री भूत पकड़ लिया जंगल में। क्या करे अब जंगल में? बड़का जंगल बा, वहाँ बड़का पीड़ बा, वहाँ लेके चल जाए तभी काबू में। ठीक बात। कुछ ना बताओ। इसका शरीर में क्यों आया है? ये लोग मेरा राज जंगल में ही रामचंद्रा हमको मजाक उड़ाया था, इसलिए हम इसका शरीर में प्रवेश किए हैं। ठीक है, इसको छोड़ के चला जाओ, नहीं तो भस्म कर देंगे। नहीं बाबा, हम चल चला जाओ। हम चल जाएंगे बाबा, जलाइए मत। चल जाएंगे बाबा। हाँ सब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, अब बदन से छोड़कर चला गया इसका, ले जाओ। इसलिए मजाक मस्ती एक हद तक ही होना चाहिए। अगर आप नहीं संभले तो हो सकता है आगे चलकर इसकी कीमत आपको रामचंद्र के जैसा ही चुकाना पड़े। बी केयरफुल एंड बी अवेयर। हाय गाइस, जैसा कि भूतिया केफेस पार्ट 1 में आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, उसी तरह हम लोगों ने केफेस भूतिया पार्ट 2 बनाया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने ढेर सारा प्यार दीजिए अपने कमेंट के जरिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू।